नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारत में शुरू हुआ देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने वहां रविवार हुबली धारपाड़ में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पुनर्विकसित होस्पेट रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में एक कीर्तिमान भी रचा गया, जहां हुबली रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन हुआ। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की लंबाई 1560 मीटर है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। कार्यक्रम में लोगों का संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में एक और मील के पत्थर को छू लिया है। अब सेतुरुदा स्वामी जी स्टेशन हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यह एक रिकॉर्ड नहीं, यह उस सोच का विस्तार है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने अच्छे शिक्षण संस्थानों के विस्तार के बारे में बात की। आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे यहां यही सोच रही कि अच्छे शिक्षा संस्थाओं का विस्तार होगा, उसके ब्रांड पर असर पड़ेगा। इस सोच ने देश के युवाओं का बहुत नुकसान किया है, लेकिन अब नया भारत, नौजवान भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा उत्तम इंस्टीट्यूट होंगे, उतने ज्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा की पहुंच होगी। यही वजह है कि बीते 9 वर्षों में भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने एम्स की संख्या 3 गुना कर दिया। आजादी के बाद 7 दशकों में जहां देश में सिर्फ 380 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 9 वर्षों में 250 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इन 9 वर्षों में देश में अनेकों नए आईआईएम और आईआईटी खुले हैं। आज का ये कार्यक्रम भी भाजपा सरकार की इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कर्नाटक के हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, यहाँ की बहन बेटियों और सशक्त हों, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं।